बोल रहा है मेरी भी इच्छा इतनी थी, आप लिख दिया। अमित शर्मा, पिता सुरेश चंद शर्मा, जाति ब्राह्मण गण, बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, श्री सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। पास में आए, माइक उठाए, कहां से आए? आई से बोलिए। बरेली उत्तर प्रदेश। क्या समस्या लेके आए बेटा, सब सुन रहे हैं, बताएं। मुझे अचानक से, जब से मैंने होश संभाला है, बचपन में छोटा था तब से होश संभाला है, जब अचानक से मुझे कुछ सोते समय बहुत तेज़ नींद आती है। कहीं बैठा होता हूँ, मंदिर में रहता हूँ वैसे मैं, तो सोते सोते मतलब एकदम नींद आ जाती है, वो शरीर ऐसा हो जाता है, मैं उठने का प्रयास करता हूँ तो मैं उठ नहीं पाता हूँ, और मैं सोचता हूँ किसी को हिलाऊं या इनका। आपका शरीर सोने में दब जाता है, आपके पिता को भी ऐसा ही होता था जी, बोलो है ना? हाँ। साथ ही आप मानसिक डिप्रेशन में, शरीर पर शक्ति है, काजल देवी मायके में बैठी है जी, तनाव बना है, पुनर्विवाह करना है, ऐसा आपका मन में संकल्प नहीं है, लेकिन आपकी पत्नी चाह रही है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, उनके पीछे आपका एक साड़ू है वो इंटरफेयर करता है, घर वालों को बिचका देता है, जतिन उर्फ विमल कुकू नाम का साड़ू जी, साथ ही सरोज और राजेंद्र जी जी, ये सब मिलजुल करके, राकेश शर्मा आदि मिलकर लड़की को गलत तरीके से गुमराह कर रहे हैं, नियत खराब है, धन संपत्ति लूटना चाहते हैं, उनके विचार मन में अच्छा नहीं है जी, वो दबाव लेकर के आपकी पत्नी को ले गए हैं जी जी, बोलो है ना जी, चढ़ाव उतार में। और गुरु जी, ये समस्या मेरे साथ मेरी पत्नी को भी होने लगी थी, मैं बोल तो रहा हूँ, बुआ जी है और मेरी सिस्टर है, उसको भी होती है, पूरा घर परेशान है, और आज अभी मेरे छोटे भाई की शादी हुई है, उसकी वाइफ को भी आज घर पे कोई प्रेतवादा ने परेशान किया, हालांकि हम मंदिर में ही रहते हैं, पूजा पाठ का ही काम है हमारा, गुरु जी बहुत परेशान है, कभी कोई लीजिए, हमने जो उपाय लिखा है उसको कर लीजिएगा, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद जी। पत्नी मेरी आएगी, आएगी, दौड़ेगी, नचेगी जी, मतलब आपके संग अच्छे से। मुझे यहाँ आने से पहले विश्वास था पंडोकर सरकार पे, इसी प्रयास से आया था, कहते हैं हनुमान जी कलयुग के वो राजा है जो असंभव को भी संभव करने वाले हैं, इसलिए कहते हैं कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात दुम पाही। इस संसार में, सृष्टि में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी कृपा से ना हो, क्योंकि मैं आज यहाँ तक आया हूँ तो हर किसी से लड़कर भिड़कर आया हूँ कि बस नहीं, मेरा मन नहीं मानता था, इसीलिए मुझे पता था यहाँ पंडोकर धाम में आके मुझे न्याय मिलेगा, और बालाजी मेरी सुनेंगे, चिंता मत करो, आशा घबराओ, मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी मुझसे दूर हो, मेरा घर परिवार बना रहे, मेरा रिश्ता बना रहे जी, हाँ मेरा लव मैरिज थी, मैं उनके परिवार के योग्य नहीं था, उनके विचार अलग थे, वो अच्छे परिवार में शादी करना चाहते थे, मैं उस स्तर से नहीं था, ब्राह्मण परिवार से, और अपना रोज मद्दा का कमाने वाला, साफ सुथरा मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन नहीं, उनके विचार अलग था, वो किसी अच्छे घर में करना चाहते थे, वही प्रयास आज उनका है, और उसका साथ कुछ लोग दे रहे हैं उनके। चलो कोई बात, मैंने जो नाम बताया वो ही होंगे जी, चलो खड़े हो जाए, बोलो पंडोकर सरकार की जय। सोच लीजिए जब यहाँ एक एक नाम आगे प्रमाण चाहते, खड़ो ये बताएंगे, पहुंची वापस सब बात आप बताएंगे, शुरुआत। इसके बाद रणवीर सिंह, रणवीर सिंह नाम का कोई व्यक्ति है, रणवीर या रणधीर, जिनका लड़का फांसी द्वारा मरा है, लड़के के लिए आए, बोलिए पंडोकर सरकार की जय, जय श्री राम। पास में आए, अच्छा पर्चे पहले मिल चुके, दिखाओ पर्चे, फांसी द्वारा कनज का पेड़ से फांसी, ये तो इटावा का पर्चा है, ये तो मैंने यही बनाया था आज से लगभग एक साल दो साल पहले, एक साल पहले बनाया था, लेकिन बनाया उन्हें यही था अभी तो बच्चे को एक साल भी नहीं। अरे भाई कनज के पेड़ पे खत्म हुआ था इटावा का, मैंने यही बनाया था पर्चा इसी जगह पे, हो सकता हाँ 20/5/2022 को तो मरा था जी, जी उसी टाइम पे आया, संघ का गलत आरोप है आपका, पुष्प यादव पति यदुवर सिंह का मर्डर नहीं, ओ पुष्पा यादव कौन है ये, चलो इस विषय पे चर्चा करेंगे, यहाँ से हम कोई बात नहीं करेंगे इस विषय को लेकर,
ठीक है, माइक उठाइए। हमें लिखा है पठान शैतान का काल का गौण शक्ति का असर है, लाभ होगा स्त्री का सिर का दर्द रहता है, रूबी का रूबी नाम है, लाभ होगा। घर में जन हानि हो रही है, बालक फांसी द्वारा मरा, पेड़ पे लटक के मरा, ठीक है। 20 या 21 9 2022 को आपके पिता की भी घटना हुई जी गुरुदेव, है ना। 20/5/2022 को आपका पुत्र मरा था जी गुरुदेव, ठीक है जी गुरुदेव। 21/9/2022 को आपके पिता, 20/5/2022 को आपका पुत्र, पहले पुत्र फिर पिता खत्म हुआ जी गुरुदेव। ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा ही है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है जी गुरुदेव, और ये घटना नहीं होगी और ये बच्चा पुनर्जन्म जी गुरुदेव पितर रूप में भी घर में स्थापित स्थान लेगा, साथ ही पुनः जन्म होने के लिए जी गुरुदेव संतान गोपाल अनुष्ठान होगा जी गुरुदेव। फिर इसके बाद जो औपचार बताया जाए उसको नियम से करें, जो मैं मंत्र लिख रहा हूँ जी गुरुदेव उस नियम से करें जी गुरुदेव। हम गारंटी देते हैं आपके कार्य में हानि नहीं होगी जी गुरुदेव, और आपकी संतान जी गुरुदेव आपके घर में जी गुरुदेव याददाश्त सहित जी गुरुदेव परिजनों में संतान प्राप्त होगी, आशीर्वाद है जी गुरुदेव। बड़ा बेटा है गुरुदेव, जब से बच्चा वो खत्म, चलिए माइक नीचे रख दो, नीचे माइक रखो, नीचे उतर जाओ, बताएंगे सोनुमा जी। चिंता मत करो, वो जो आप शंका पूछने आए ना, हाँ मैं मुझे पता है, बैठ जाओ, घबराओ मत, हमें मालूम तुम शंका जो पूछने आए, इसलिए तो मैंने कह दिया ना, खुद ही बताऊंगा मैंने, पक जाओ। बारात में भी चलूंगा और नहीं भी चलूंगा तो घर में खाना खाऊंगा, कल्लू का करें, जब बोल दिया हो जाएगा, कौन सा कार्य कठिन जगवाई, बस तभी तो मोह ले रहे, तुम्हें तुम्हें इतना विश्वास है तो तभी तो मुझे अब तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ जल्दी भाग जाओ, ऐसे लड़के कम मिलते हैं, कम मिलते हैं ना। हाँ दो तीन लोगों ने कह दिया बिल्कुल राइट, कुछ लोगों ने कह दिया ठीक है।